So today we will see more concepts on trigonometry, ठीक ना? कि trigonometry में और क्या क्या चीजें हैं, कहाँ हमको ज्यादा डाउट होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक? So let's start. इसमें जितने भी concepts दिख रहे हैं as it is हम लिखेंगे. Some important terms related to triangles. सबको तो मालूम ही है पाइथागोरस थ्योरम. फर्स्ट नाउ फर्स्ट थिंग इन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड द एंगल. परपेंडिकुलर और बेस बनाने के लिए हमको एंगल डिसाइड करना होगा. वो एंगल ही बताएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा. तो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है. हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर या बेस बना रहे हैं, ठीक ना? स्लैंट वाली जो साइड होती है उसको हमेशा हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जिस एंगल को हमने माना है उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और उसके साथ जो 90 डिग्री बना रहा है वो हमेशा बेस होगा, ठीक? तो इसको आप फॉर्मूला कॉपी में लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस स्लैंट परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला साइड. ओके, डन. नेक्स्ट वी नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक ना? जिसमें हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं और हमको मिलता है साइन कॉस टेन, तीन वैल्यूज और तीनों का रेसिप्रोकल, ठीक ना? बस इसमें ये ध्यान देना है कि साइन थीटा is not equals to sin into theta. Sin theta is not equals to sin into theta. वो product नहीं होता trigonometry, logarithm और function. ये अकेले नहीं होते हैं, ये साथ में मिलके एक पूरा कहलाता है, ठीक ना? तो sin of angle theta कहलाएगा वो, not sin into theta, ठीक ना? और सबसे बेसिक साइन ए प्लस बी जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी. एग्जाम में बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी. नेक्स्ट जो ध्यान देना है कैलकुलेशन वो है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इसका मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक? और साइन इनवर्स जैसे एलजेब्रा में हम लिखते हैं एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स, यहां ऐसा नहीं होता, ठीक ना? यहां इस चीज का ध्यान देना कि हम ए का इनवर्स नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे फंक्शन का इनवर्स करेंगे. एक साइन ऑफ ए का इनवर्स अगर है तो उसका ये मतलब नहीं कि साइन इनवर्स ए हो जाए, उसका मतलब है साइन ए का इनवर्स होगा, दोनों में डिफरेंस है. और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस वन से वन के बीच में ही होती है. साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही होती है. क्लियर? तो एक क्वेश्चन जो दिया है, गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज.
बनाओ। साइन ए अगर 3/4 है तो कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, कॉट ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा, कॉस ए के क्या होगा, सब बताओ। हाँ कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी भी पता चल जाएगा, ठीक ना। सर? साइन थीटा 3/4 और कॉस थीटा √7/4 और टेन थीटा हो गया सर। एक मिनट सर, एक मिनट। टेन थीटा हो गया आप सर, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वहां पर साइन, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम। वहां अमित शाह भी बोल रहे हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि सबसे पहले हम एच बी और पी निकालेंगे, फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे और फिर जिस वैल्यू की क्वेश्चन पूछेगा वो निकाल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान देना कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आती है, ऐसा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने बोला है। तो अगर प्लस और माइनस दोनों का आता है तो हम माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक ना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है तो बी की वैल्यू प्लस माइनस √7 होगी, उसमें से माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइड जो है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, वहां लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखो। अब एच बी पी तीनों पता चल गया तो हो गया सवाल क्वेश्चन। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ऑफ साइन, सर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक साइन का उल्टा, कॉस सॉरी सेक कॉस का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा, ठीक ना। यस सर सबको क्लियर है? ठीक यस सर यस सर तो इसी हिसाब से एक्सरसाइज 8.1 भी है, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही है। पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, उसके बाद जिसका भी वैल्यू पूछा है वो निकाल लो, ठीक ना। तो उस बेसिस के अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर भी थीटा भी पूछता है तो भी साइन थीटा देखो 3/4 है तो साइन स्क्वायर थीटा 9/16 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा √7/4 है उसको स्क्वायर करेंगे तो 7/16 हो जाएगा, तो 9/16 प्लस 7/16 हो जाएगा 16/16, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक ना। तो 8.1 ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ओपीक्यू राइट एंगल पी पे है, ओपी 7 सेंटीमीटर है और ओक्यू माइनस पीक्यू 1 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि जब अजीब सा क्वेश्चन दिखे और कुछ भी समझ में ना आए तो पाइथागोरस लगा दो, ठीक ना। जब अजीब सा क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये मत लिख देना ना, किसी समझाने के लिए कि जब अजीब सा क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो पाइथा लगा, एग्जाम में मत लिख देना इसे। अक्षत मालू समझ में आ रहा है?
सर दिस 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया परपेंडिकुलर दिया है माइनस पी क्यू, जो जब ट्रायंगल बनाओगे ना ओपी क्यू का तो उसमें माइनस करके वो साइड दे दिया है, वो कोई एक साइड नहीं दिया है, वो दो साइड का सब्ट्रैक्शन दिया है। सबसे पहले अपने को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ओपी क्यू उसको पाइथागोरस ओपी 7 है ठीक ना, OQ चाहो तो निकाल सकते हो, OQ निकल जाएगा 1 प्लस PQ। देखो सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है उस पर ध्यान दो, जब क्वेश्चन अजीब सा लगे कुछ ना समझ में आए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब वो कैसे होगा, ये देखो OQ को उसने 1 प्लस PQ ले लिया है, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है, अब उसको स्क्वायर कर दो तो अपने आप तुमको वैल्यू मिल जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। वो सर ऐसे दिया था ना तो समझ नहीं आ रहा था कि परपेंडिकुलर क्या है, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन था। ये तुम्हें वहां हिंट वहां दिया है ना स्क्रीन पे, जब अजीब से क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आया तो पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, तो अगर कोई रिलेशन दिया है तो उसको दूसरे साइड भेज के एक वैल्यू कोई निकाल के और उसको भी रख लें, जैसे हमारे पास OQ हाइपोटेनियस है ठीक ना, और OQ की वैल्यू भी अपने पास 1 प्लस PQ, तो हम दोनों को रख देंगे। पाइथागोरस थ्योरम इन अजीबोगरीब क्वेश्चन ठीक ना, तो ऐसे सिचुएशन में हाइपोटेनियस तुरंत आगे आ जाता है। पाइथागोरस जैसे ही हमने लगाया पैटर्न वहां जो सेट किए थे हम कि OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ होगी, वहां हमने रखा तो हमको PQ का रिलेशन मिला पूरे पाइथागोरस से, और जैसे ही PQ का रिलेशन मिला हमको PQ की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली। अब दो वैल्यूज हो गई हमारे पास तो तीसरी ऑटोमेटिक निकल जाती है, रिलेशन से ही निकल जाएगी। PQ आ गया उसको रख दो इक्वेशन नंबर 1 में तो OQ आ जाएगा, तीसरा OP दिया ही है मिल गया। घुमा कर दिया था सभी क्वेश्चन। हाँ तो तभी तो 4 नंबर देगा, 3 नंबर 4 नंबर ऐसे थोड़ी देगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का तो लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट क्या है, लिखवाया था ना क्या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट, देखो बेसिक वाले भी देखो स्टैंडर्ड वाले भी देखो, उसी के हिसाब से पढ़ोगे तभी फायदा होगा। हो गया यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो नीचे एलपी मतलब लेट्स प्रैक्टिस, एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू।
बी और क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब दोनों मिलके दोनों पर्टिकुलर 90 से कम, और साइन बी और साइन क्यू दोनों सेम है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी सेम है। कैसे बनाएंगे इसको? पहले हम दो अलग अलग ट्रायंगल बना लेंगे। सपोज करो एक हमने एबीसी बनाया जिसमें बी दिखा दिए और एक पीक्यूआर बनाया जिसमें क्यू दिखा दिए, ठीक। दोनों का एंगल हम एक ही डायरेक्शन में लेंगे और दोनों का साइन दिया हुआ है इक्वल, तो साइन के टर्म्स में ही हम एंगल बनाएंगे साइन बी और साइन क्यू। और कोई सजेशन ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आगे? अक्षत, गीतिका, रक्षिता, सुब्रत, आदिश्वर, श्रेयांश, कोई आइडिया? और सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड तो इक्वल होगा ना, जैसे साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। हाँ तो बी है ना, वो हो सकता है वो 30 हो तो क्यू को 60 होना पड़ेगा, क्योंकि बी अगर इक्वल करना है तो बी ही दोबारा लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं। एबीसीडी में अगर 26 अल्फाबेट्स हैं तो पूरे 26 अलग है ना, तो अगर हम बी बोल रहे हैं तो बी के इक्वल क्या होगा, बी ही होगा, सी तो नहीं हो सकता इक्वल, लेकिन अपने को प्रूफ दिखाना है क्योंकि वो साइन। सर अगर हम लोग इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अप्लाई कर देखें तो प्रूफ करने के लिए देखते हैं। और क्योंकि एसी अपने को 90 डिग्री दिया है और बीसी, लेट्स सी, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है तो हम उनकी वैल्यूज भी इक्वल रखेंगे, तो एसी अपॉन एसी। हाँ तो तुमने बोला कि लेफ्ट साइड इक्वल है, दैट मींस एंगल बी और एंगल क्यू, ये तो अपने को दिखाना है। कैसे दिखाना है, मतलब वहां हम क्या बोलेंगे कि सिंस साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू देन एसी अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये। अब दोनों के परपेंडिकुलर और दोनों के हाइपोटेनियस पे ध्यान दें, दोनों के परपेंडिकुलर और दोनों के हाइपोटेनियस जो है उन पे ध्यान दो और उसको वैल्यू को इक्वेट कर दो के साथ। जैसे ही हम के साथ इक्वेट करेंगे अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि बस कहीं से बेस के रेशियो भी इसी रेशियो के बराबर हो जाए। तो बेस हमारा क्या क्या है, बीसी और क्यूआर, तो बीसी और क्यूआर हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास तो कोई वैल्यू है नहीं, एक्स वाई जेड 1 2 3 कुछ नहीं है, तो हम एज इट इज साइड ही ले लेंगे और उसमें पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि वही जो पुराना कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ में ना आए तो पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस लगाए। अब जैसे हमने पाइथागोरस लगाया के टर्म्स में हमारा एक वैल्यू था, उसको हम रख देंगे जो रेशियो हमको मिला था बीसी अपॉन क्यू आर, मतलब जो बेस हम निकाल रहे हैं वो दोनों को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने किसको डिवाइड किया है,
देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एसी अपॉन एबी, ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देखो, पीआर अपॉन पीक्यू। फिर हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। सर एक बार बोर्ड में कर दिखाओ ना, समझ नहीं आ रहा है। चल देखते हैं, हमारे पास था पहले ट्रायंगल से AC अपॉन AB, ठीक, वो इक्वल था PQ, सॉरी PR अपॉन PQ। अब ये जो दिया है, क्या दिया है, पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, ये दिया है। यस सर। थोड़ा सा शफल किया क्योंकि दोनों इक्वल थे, इसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी चीज होती है। तो अब हम एसी के नीचे लिख दिए हैं पीआर, और इस एबी को यहां ले गए हैं एबी अपॉन पीक्यू। अब ये जो है एसी और ये जो है पी आर, ध्यान से देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर। एबी जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस। पी क्यू है वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो हमको क्या समझ में आया कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बस ऐसा ही वही चीज लिखा हुआ है रेड से, बस कहीं से बेस का रेशियो भी एक जैसा हो जाए तो आ जाएगा। अच्छा, इन सब को हमने क्या माना था, इन सब को हमने के माना था, के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थोड़ा सा शिफ्ट किए तो के परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। बस अब बेस मिल जाए, जैसे ही बेस भी मिल जाएगा, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस सेम होते हैं, वही चीज इसमें किया है। और उसके बाद सर हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना ना। हाँ, पाइथागोरस देखो, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया, बचा क्या, बेस। तो हम बेस की वैल्यू निकाले, हमारे पास कुछ चीज नहीं है तो हम पाइथागोरस नॉर्मल ही लगाते हैं, उसके साइड्स लेके ए बी ए सी पी क्यू पी आर, हम बेस की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप समझ में आया क्वेश्चन रक्षिता? yes, sir. कितने मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए ये रक्षिता? 3-4 आई थिंक, 3-4। हाँ, मतलब ये चार नंबर तक खींच सकते हैं। यस सर। बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख देना ये सर, बस कहीं से बेस के रेशियो भी इसी रेशियो के बराबर हो जाए, ये सब समझने के लिए है। Yes, sir. तो BC की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेम दूसरे ट्रायंगल का बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू हम के टर्म्स में रखेंगे क्योंकि पहला वाले में हमने के लिया था, तो के इंटू पी क्यू के इंटू पी आर, उसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। फिर हम के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट से, तो के बन के बाहर निकलेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम हो जाता है, जैसे ही सेम हुआ हमको मिला सिर्फ के, और उससे ये प्रूव हो गया कि
बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर का रेशियो दो ट्रायंगल्स का इक्वल, और यही कॉन्सेप्ट अपन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म से किया है, ठीक ना? तो मार्क्स उसमें भी मिल जाएंगे। ट्रायंगल वाले में करोगे तो एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया। तो ट्रायंगल के चैप्टर में अगर हम लिखना चाहते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, तो हम लिखेंगे बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्सेप्ट, ठीक ना? क्योंकि कॉन्ग्रेंस अलग चीज होता है, सिमिलैरिटी अलग चीज होता है। हो गया? यस सर। ये तो सबको मैं याद करा दिया था, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड पाम रूल सबको याद हो गया ना? यस सर। क्वेश्चन, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री बी पॉइंट पे है, एबी 5 सेंटीमीटर, एसी बी 30, फाइंड द लेंथ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो दो चीजें दी है ना, उसमें से स्टैंडर्ड रिजल्ट और उसी को ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है क्या? तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आराम से बनता रहेगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 पूरा ट्रिग्नोमेट्री कॉसेक 30। सर एक मिनट, स्लाइड ऊपर करना, थोड़ी सी वैल्यू देखना है। वैल्यू मैं बोल अभी पूछा कि सबको याद है कि नहीं, अपना लेफ्ट हैंड देखो, उससे वैल्यू निकालते रहो। सर एसी, एक मिनट सर एसी 10 आएगा क्या? देखते हैं सर, एसी इज इक्वल टू 10 एंड बीसी इज इक्वल टू 5√3। सी 30 डिग्री है, ठीक, तो दोनों साइड साइन लगा दो, तो साइन सी साइन 30 हो गया। साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 वन बाई टी। साइन ही क्यों लिखे है? क्योंकि परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन में और टेन में, ठीक ना? तो टेन भी ले सकते हैं, अब क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला था इसलिए हमने साइन ले लिया, तो तुरंत मिल गया अपने को हाइपोटेनियस। यस सर, एसी 10 मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस, जहां समझ में ना आए पाइथागोरस में डाल, तो बेस मिल जाएगा। तो वो हमारे ऊपर है कि हम परपेंडिकुलर के बेसिस पे साइन थीटा ले रहे हैं कि टेन थीटा ले रहे हैं, क्योंकि साइन पहले आया इसलिए हमने साइन ले लिया, टेन भी ले सकते थे।
हो गया? यस सर, यस सर। सही तो है भाई, 75 को 5 रूट 3 लिख सकते हैं क्योंकि 5 अंदर जाके 25 होगा, वो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रूट 75 लिखेंगे तो भी सही होगा ना? हाँ सही होगा। इन ट्रायंगल PQR, Q पे राइट एंगल है, PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल QPR और PRQ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। सर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखते हैं, फॉर बोथ एंगल हाइपोटेनियस सेम है, बेस परपेंडिकुलर सब दिया है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पहले कोई भी एक एंगल पकड़ लो, सपोज करो हमने पी पकड़ा, तो उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर इंटर जो होगा वो आर के लिए इंटरचेंज हो जाएगा, बस इस चीज का ध्यान दें। तो पी को जैसे ही हमने पकड़ा, वी हैव बेस एंड हाइपोटेनियस, नाउ बेस एंड हाइपोटेनियस किस में आता है? कॉस में, तुरंत कॉस निकाल, ठीक ना? तो जैसे ही कॉस निकालोगे तुमको पी की वैल्यू एंगल का मिल जाएगा, पी मीन्स क्यू पी आर। हो गया पी, अब आर निकालते हैं। हमको मालूम है पी प्लस क्यू प्लस आर, फिर से ट्रिग्नोमेट्री में मत चले जाना। पी प्लस क्यू प्लस आर 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का। एक 90 दिया है, दूसरा yes, भी निकाला, तो तीसरे के लिए वापस ट्रिग्नोमेट्री डिग्री सिंपल प्रॉपर्टी लगा के और आर की वैल्यू निकाल, ठीक ना? क्लियर? यस सर। क्योंकि खुद सोचो, अगर मान लो अब बताओ कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछेगा? सर 2 to 3, ठीक ना? 3 नंबर तो नहीं जाएगा, 2 नंबर के लायक ही दिख रहा है। तो अब तुमको लगेगा 2 नंबर में इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों जा रहा है? इसीलिए क्योंकि हम जबरदस्ती वहां फिर से आर के लिए निकालेंगे, फिर वहां परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस करेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट एक लाइन में एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो